नमस्कार, मैं हूं प्रणव सेमडी प्रणवानंद और स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज कल, आज और कल में। तो आइए जानते हैं आज उत्तराखंड में क्या कुछ होने वाला है। आईएमए में पीओपी की तैयारी के कारण देहरादून विकासनगर मार्ग पर डाइवर्ट रहेगा रूट, 13 जून को है पीओपी। देवस्थानम बोर्ड मामले में आज हाईकोर्ट नैनीताल में होगी सुनवाई। बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल करेगा आज प्रदर्शन। वहीं अन्य समाचारों में, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में किए जा रहे निर्माण कार्यों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जायजा लिया। सुदूर सीमा पर स्थित जनपद पिथौरागढ़ में लगाई गई ट्रूनेट मशीन, इस मशीन के द्वारा कोरोना जांच की जा सकेगी। हालांकि पॉजिटिव केस को कंफर्म करने के लिए सैंपल को आगे भेजना होगा, लेकिन निगेटिव केस का पता वहीं पर लगाया जा सकेगा। यह मशीन एक घंटे में दो सैंपल की जांच कर सकेगी। विपक्ष ने किया सरकार पर हमला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार कोरोना से लड़ने में विफल साबित हुई है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने फिजूल खर्ची पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। देखना यह होगा कि ये निर्देश सभी पर लागू होते हैं या सिर्फ आम लोगों के लिए हैं। तो मुख्य समाचार में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।